मोदी जी को 2014 में 2019 में दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, उसी तरह से इस बार भी पूरा आशीर्वाद दिल्ली की जनता देने वाली है और सातों सीटों पर हम विजयी होंगे। बहुत भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है, क्योंकि बाकी लोग वाणी सेवा करते हैं। क्योंकि बाकी दलों के घोषणा पत्र में अगर बजटीय आकलन से हिसाब लगाओगे तो शायद देश के बजट में वो समा ही नहीं सकते, लेकिन भाजपा जो बनाती है, जो कर सकती है वो बनाती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि रामवीर जी चार सिलानी वाणों का नंबर आया और उनको हमारे सामने ही नरेंद्र मोदी जी ने उनका बाजू थामते हुए जो है उनको घोषणा पत्र की प्रति दी है। तो और अभिभूत हैं वो, उन्होंने जो बातें यहाँ मीडिया के सामने भी रामवीर जी ने कही, भाई किसान सम्मान निधि मुझे मिलती है, फसल में नुकसान हुआ तो 28,000 से रुपये अधिक का बीमा मुझे एक बार मिला है, मेरी भैंस गुजर गई थी तो 70,000 रुपये उसके मुझे मिले। अभी तक जो कांग्रेस पार्टी की मैं जिक्र करूँ, टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई है। बढ़िया शब्द ये है कि सहमति नहीं बनी है, और बुरा शब्द ये है कि आंतरिक सिरफुटोल है। नहीं तो सहमति बनने में देर काहे को लगती है, रोज़ मीटिंग हो रही है लेकिन टिकटें डिक्लेयर नहीं हो रही। तो जो पहले इतने धड़ों में बटे हुए हैं वो किस प्रकार के कारनामे या करिश्मे कर पाएंगे, एक बार मैदान में आने दीजिए। मुझे लगता है हरियाणा की जनता भी 10 की 10 सीटें फिर से मोदी जी को दे रही है। और दक्षिणी दिल्ली भाजपा संगठनात्मक लोकसभा बैठक को संबोधित करने पहुंचे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रभारी हैं ओम प्रकाश जी धनखड़। धनखड़ साहब, चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली एक अहम प्रदेश माना जाता है, भारत देश की राजधानी भी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। दूसरी संगठनात्मक बैठक है आज ही के दिन, क्या समझते हैं दिल्ली में क्या रहने वाला है? देखिए, सातों लोकसभा की बैठक मैंने ली है, अभी ये आखिरी बैठक है जो अभी होने वाली है दक्षिणी दिल्ली की। सभी लोकसभाओं में बहुत अच्छा रिस्पांस है, जैसे मोदी जी को 2014 में 2019 में दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, उसी तरह से इस बार भी पूरा आशीर्वाद दिल्ली की जनता देने वाली है और सातों सीटों पर हम विजयी होंगे। बहुत शानदार कैंडिडेट सातों सीटों पर जो है दिल्ली में मिले हैं और जनता का उनके प्रति बहुत रुझान है, मोदी जी को पूरा आशीर्वाद है। कल भाजपा का घोषणा पत्र भी आया, भारत को एक विकसित भारत बनाने का विजन उस घोषणा पत्र में है। जो रोड मैप बना है 5 साल का, वो संकल्पित रोड मैप है। एक तरह से भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है, क्योंकि बाकी लोग वाणी सेवा करते हैं। क्योंकि बाकी दलों के घोषणा पत्र में अगर बजटीय आकलन से हिसाब लगाओगे तो शायद देश के बजट में वो समा ही नहीं सकते, लेकिन भाजपा जो बनाती है, जो कर सकती है वो बनाती है। तो जो बुजुर्गों को यहाँ सम्मान दिया है पूरे देश भर में कि 70 साल से बड़ी उम्र का कोई भी बुजुर्ग होगा तो उसके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी 5 लाख तक का, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इसी तरह से जिस तरह से रेहड़ी पटरी वालों को, बाकी सबको, जो बिना किसी जमानत के जो लोन मिलता था, बिना कुछ गिरवी रखे मिलता था, वो 10 से 20 लाख रुपये तक कर दिया, तो वो जो उस प्रकार से जो भी अपना नया व्यवसाय करने जाते हैं उनके लिए एक बड़े सुख की बात। आप बीजेपी का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें आपको 1500 से भी अधिक बिंदु मिलेंगे, बाकी किसी का घोषणा पत्र में देखोगे तो शायद 150 बिंदु मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोक लुभावन घोषणा के सिवा कुछ किया ही नहीं होता है। ये समाज के जीवन के हर क्षेत्र को कवर करते हुए कैसे आगे बढ़ाना है, किसानों से लेकर मछुआरों तक, इसी प्रकार से सैटेलाइट से लेकर जो है बुलेट ट्रेन तक, आईटी से लेकर ग्रामीण विकास तक, इसमें बुजुर्ग का सम्मान भी है, युवा का अरमान भी है, और भारत की पहचान भी है, नारी का सम्मान भी है, हर चीज़ इसमें आपको दिखाई देगी जो है, और गरीब का कल्याण भी है। तो उस नाते से सब लोग मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए उनके नाम से ये हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए मोदी जी की गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। तो दिल्ली की सातों सीटें जीतेंगे, अभी शानदार बैठक होनी है रामवीर भदौड़ी जी की, तो आप दिखाना, बड़े शानदार नेता हैं जिनकी बैठक में मैं अभी आया हूँ। आप सदस्य भी रहे हैं घोषणा पत्र के, संकल्प आप कह रहे हैं संकल्प घोषणा पत्र, उसमें किसानों के लिए जो जानकारी आई है कि आप ही के क्षेत्र के, आप हरियाणा में सक्रिय रहे हैं, झज्जर जिले के किसान को मोदी जी ने पहला संकल्प पत्र, तो उसके क्या मायने हैं किसानों को लेकर के एक नई? मोदी जी ने अपने प्रायोरिटी जो है किसान, गरीब, महिला और युवा, इनको प्राथमिकता बनाया है, और उसी नाते से देश भर में 4 लोगों को घोषणा पत्र की प्रति सौंपी गई, एक युवा को प्रतीकात्मक रूप से, एक गरीब आदमी जिसको कुछ लाभार्थी के नाते लाभ मिल रहा है उसको, एक किसान को, और एक नारी शक्ति की प्रतीक जनजातीय महिला को। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रामवीर जी चार सिलानी वाणों का नंबर आया,
और उनको हमारे सामने ही नरेंद्र मोदी जी ने उनका बाजू थामते हुए जो है उनको घोषणा पत्र की प्रति दी है। तो और अभिभूत हैं वो, उन्होंने जो बातें यहाँ मीडिया के सामने भी रामवीर जी ने कही, भाई किसान सम्मान निधि मुझे मिलती है, फसल में नुकसान हुआ तो 28,000 से रुपये अधिक का बीमा मुझे एक बार मिला है, मेरी भैंस गुजर गई थी तो 70,000 रुपये उसके मुझे मिले, अब नीम कोटेड यूरिया आ गया है तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है, नैनो यूरिया आ गया है तो और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। जितने भी ग्रामीण और किसानी क्षेत्र के लिए लाभ मिल रहे हैं उन सब की डायरेक्ट पेमेंट आने लगी है, तो ऐसी सब चर्चाएं वो तो उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों चैनल ने उनसे पूछा होगा, वो तो एक ही दिन में पूरे मीडिया के लिए सबसे चहेते आदमी हो गए तो हमारी हाजिरी में ही। तो इसलिए ये भी सौभाग्य जो है हमारे इलाके को मिला, हम इस बात के लिए भी मोदी जी के आभारी हैं। दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की मैं बात करूं, इस समय दक्षिणी दिल्ली में हम मौजूद हैं, हरियाणा से बिल्कुल साथ लगता प्रदेश है, एक जैसी संस्कृति है और रिश्तेदारियां भी हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में? धनखड़ साहब किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं दोनों लोकसभा में? देखिए फोकस तो हमारा एक ही है, मोदी जी और इलाके का विकास और आखिर जो आखिर में खड़े हुए हैं उन लोगों की भलाई, उसी पर पूरा चुनाव चलेगा कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये राजधानी ऐसी राजधानी की जो गर्व और गौरव कर सके हर भारतीय, यहाँ जैसी भी आबादी रहती है उसका उस प्रकार का भले से भला कैसे हो सके, अधिक से अधिक कल्याण। और मोदी जी जिस प्रकार को देश को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं कि सोने की चिड़िया जो भारत का भी विश्व गुरु था, सब दिल्ली वालों के दिल में भी वैसे ही अरमान है कि भारत अपनी पुरानी ऊंचाइयों को फिर से छुए, इसी को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और तीनों बातें, गरीब कल्याण हो, चाहे इस इलाके का विकास हो और चाहे मोदी जी को भारत के आगे बढ़ाने के सपने हो, वो साकार होंगे, यही सबके बीच की आकांक्षा है। चलिए अंतिम सवाल है हरियाणा को लेकर के, बड़ी उत्सुकता रहती है, अभी तक जो कांग्रेस पार्टी की मैं जिक्र करूँ टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर के आप क्या समझते हैं, जो पिछला जो स्कोर था 10-0 को लेकर के? कि ऐसे में बढ़िया शब्द ये है कि सहमति नहीं बनी है और बुरा शब्द ये है कि आंतरिक सिरफुटोल है। नहीं तो सहमति बनने में देर काहे को लगती है, रोज मीटिंग हो रही है लेकिन टिकटें डिक्लेयर नहीं हो रही, तो जो पहले इतने धड़ों में बटे हुए हैं वो किस प्रकार के कारनामे या करिश्मे कर पाएंगे, एक बार मैदान में आने दीजिए। मुझे लगता है हरियाणा की जनता भी 10 की 10 सीटें फिर से मोदी जी को दे रही है और ये 17 सीटों का जोड़ जो है हम 400 में हम देंगे दिल्ली और हरियाणा से, तो हरियाणा की जनता का भी पूरा प्यार मिलेगा। चलिए ये थे ओम प्रकाश जी धनखड़, और बिल्कुल इन्होंने कहा है कि हरियाणा और दिल्ली क्या फिर से अपना जो पिछला जो प्रदर्शन रहा है वो दोहरा पाएगी, 7-0 और 10-0, ये बड़ा सवाल है हरियाणा और दिल्ली को लेकर के।